जिंदगी एक खेल है, जीतोगे तो सफल बन जाओगे और हार जाओगे तो समझदार बन जाओगे। लेकिन सफल बनने के लिए पहले समझदार बनना जरूरी है। इसका मतलब जीतने से पहले हारना जरूरी है। जिंदगी में पछतावा करना छोड़ो और कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हें छोड़कर पछताएं। निंदा से मत डरो, क्योंकि निंदा उनकी होती है जो जिंदा होता है। मरे हुए की तो बस तारीफ होती है। बुराई भी होना जरूरी है। अगर हर रोज तारीफ मिलेगी तो आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये दुनिया भी बड़ी अजीब है। मतलब की बात तो हर कोई समझता है, लेकिन बात का मतलब कोई नहीं समझता। हमेशा ये बात याद रखना, ऊपर वाला अच्छे लोगों का इम्तिहान लेता है पर साथ कभी नहीं छोड़ता। और कभी हौसला टूटे तो खुद को ये बात याद दिलाना, मैं हालातों का मारा नहीं हूँ, आसमान का चमकता सितारा नहीं हूँ। मेरा सिर्फ वक्त बुरा था, मैं फिर उठ जाऊंगा, अभी मैं हारा नहीं हूँ। दोस्तों, जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते। बड़े सपने देखना पाप नहीं है, लेकिन उन सपनों को हालातों के सहारे छोड़ देना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। समस्या कभी भी उतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उसे बना लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरा नहीं होने दिया। दूसरों की अपेक्षा अगर आपको सफलता देर से मिले तो निराश मत होना, क्योंकि मकान बनने से ज्यादा समय महल बनने में लगता है। ये जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। जब लोग आपसे मुकाबला नहीं कर सकते तो आपसे नफरत करने लगते हैं। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है वही आपकी कीमत समझते हैं, वरना औरों के लिए तो आपकी किस्मत अच्छी है। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप एक बार फैसला लेकर तो देखिए, क्या पता आपकी किस्मत ही बदल जाए। दोस्तों, सफलता का कोई मंत्र होता ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत का फल है। अगर आप अपने मन को कंट्रोल कर लेते हो तो दुनिया की वो हर चीज मुमकिन है जो आप करना चाहते हो, वरना सब कुछ नामुमकिन है। क्योंकि जो इंसान अपने मन के हिसाब से जीता है वो कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि ये मन आवारा होता है। ये तुम्हें कभी मेहनत नहीं करने देगा जब तक कि तुम इसे अपना गुलाम ना बना लो। ये इस दुनिया का दस्तूर है। जब हम चुपचाप सब कुछ सह लेते हैं तो सबको बड़े अच्छे लगते हैं, और एक बार अगर हकीकत बयान करते हैं तो सबके लिए बुरे हो जाते हैं। इसलिए जिंदगी को हमेशा ऐसे जियो कि खुद को पसंद आ जाए। दुनिया वालों की पसंद तो पल पल में बदला करती है, और इंसान की अच्छाई पर तो सब खामोश रहते हैं, पर चर्चा जब बुराई का हो तो गूंगे भी बोल उठते हैं। इंसान जब हथेली की रेखाओं में अपना भविष्य ढूंढने लगे तो समझ लेना उसकी बाजुओं में ताकत और मन में विश्वास खत्म हो चुका है। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, जीत लूंगा मैं खुद से ये वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो, चाहे तकदीर रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, झूठे पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत मत हारना, क्योंकि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। दोस्तों, उदार बनो पर खुद का कभी इस्तेमाल मत होने दो। सबसे प्यार करो लेकिन खुद को ठेस मत लगने दो। विश्वास करो पर अपने साथ कभी धोखा मत होने दो। और दूसरों की सुनो पर अपने मन की आवाज को मत खोने दो। अगर इस वीडियो में कही गई बातों से आप सहमत हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमारे इस प्रयास का हिस्सा बनिए। और हमेशा ये बात याद रखिए कि इस दुनिया में कुछ भी पाना असंभव नहीं है। बस आप सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज़।